कि आपका एक्चुअली किसकी बिल है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्थिर आकार 373, बीज आकार 243, वाहन 71, चालू देय 808 रुपये 808। तो ये जो दो आंकड़े हैं ना, ये दो आंकड़े और ये बीज लाइट बिल तो ये है, ये जो दो आंकड़े हैं, ये तीन, ये लगभग 500 550-600 जा रहा है। तो ये जो है ये फिक्स है, तो मेरे को आया है बिल 800 रुपये, ये इसमें से 550-550-600 के आसपास ये फिक्स है। ये मैं यूज़ करूँ ना करूँ, एक महीना मैंने एक लाइट भी नहीं लगाया क्लिनिक का, तो भी इतना बिल आने वाला है। तो ये जो स्थिर आकार जो था ना, ये स्थिर आकार 2018 के पहले, ये जो स्थिर आकार है ना, ये स्थिर आकार 2018 के पहले ऊपर वाला जो था वो 150 रुपये था और नीचे वाला जो था वो 100-125 रुपये था। 2018 के अगस्त महीने में सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने, तब फडणवीस सरकार थी, तब उन्होंने इसके ये रेट डबल ट्रिपल कर दी। क्यों हुआ ये, तो एक इसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपको याद होगा, मार्च 2018 में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्होंने जो बात बताई जो मुझे वहाँ से पता चली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 में मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिए थे कि ये जो कंपनियाँ हैं, अडानी, अम्बानी, रिलायंस ग्रुप, इन्होंने भारत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और यूरोपियन कंट्री से हम कोल लाते हैं और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और आपको ये रेट हम दे देंगे। गुजरात के अदानी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस गुजरात में है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक अभी आसाम में लग रहा है। तो सरकार ने ओके किया, एग्रीमेंट किया 2017 एंड में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि इंडोनेशिया से हम जो कोयला लेने वाले थे या फिर ऑस्ट्रेलिया से हम जो कोयला लेने वाले थे, वहाँ पे उसके प्राइस जो है वो बढ़ गए, तो हमारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, हमको अब नहीं परवड़ रहा, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इसके रेट बढ़ा रहे हैं। तो हम कितना बढ़ा रहे हैं, हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं। फिर इसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ, सरकार बोल रही नहीं हम ऐसे नहीं करने देंगे, अदानी और अम्बानी ग्रुप बोल रहे नहीं हमको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मोदी सरकार ने, सेंट्रल के गवर्नमेंट ने वहाँ पे रिटायर्ड जो जस्टिस थे मिश्रा, जिन्होंने 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात के, उसमें जो 3 चीट दी थी मोदी सरकार को, मोदी साहब को, उनके पैनल पे, 4 जनों के पैनल ने उनको इन्वेस्टिगेशन पे रखा कि उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कोयले की इंक्वायरी की जाएगी, और उन्होंने उसको क्लीन चीट देते हुए उसको मंजूरी दे दी। और वो जो था 3 गुना बढ़ा हुआ उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो आपको इस बिल में आया। जाके 2018 का जनवरी महीने का बिल निकाल के देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में तो 2 रुपये 200 यूनिट तक तो बिल ही नहीं है, मेरा यूनिट कितना गिरा है, 59 यूनिट मेरा गिरा है और मेरे को बिल आया है 860 रुपीज़ का। दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है इलेक्ट्रिसिटी और मुझे आया है 59 यूनिट के लिए 860 रुपीज़ बिल। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के लोगों ने जाके उनका ये जो है ना अधिभार, स्थिर आकार और बीज आकार, ये ऊपर के दो कॉलम, ये जाके जनवरी 2018 का चेक कीजिए, ये 100-125-150 रुपये के आसपास था, सिर्फ 200-250 रुपये आपका स्थिर आकार था, जो आज जा रहा है 600 रुपये।